फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लीड टू नॉलेज और मैं कविता आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम किसी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए सीखते हैं। यहां पे मेरे पास ये इमेज है, ये जेपीजी फॉर्मेट में है और इसके ऊपर मैं राइट क्लिक कर रही हूं और इसको मैं कॉपी कर रही हूं। अभी मैं एमएस वर्ड को ओपन कर रही हूं और यहां पे मैं राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर रही हूं। तो ये इमेज यहां पे आ गई है। अभी हमें करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल इसको सेव एज करना है। तो फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आता है, इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे ब्राउज में जाना है और आपने अपनी फाइल को जहाँ पे भी सेव करना है उस ड्राइव को आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे फाइल का नेम देना है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो इसको रहने भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसका नाम सक्सेस फॉर्मूला दे रही हूँ और यहाँ पे सेव एज टाइप आ रहा है, इसके ड्रॉप डाउन को मैं क्लिक कर रही हूँ और इसमें बहुत सारी लिस्ट आ रही है। ये फाइल एक्सटेंशन हैं, आप कौन सी एक्सटेंशन में इस फाइल को सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पे आता है पीडीएफ, मैं पीडीएफ को सिलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको मैंने सेव पे क्लिक कर दिया तो ये फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई है। चलिए इसको मैं बंद करके उसी ड्राइव पे दिखाती हूँ। पहले इस ड्राइव में सक्सेस फॉर्मूला के नाम से कोई पीडीएफ नहीं था, अभी यहाँ पे ये पीडीएफ आ गया है। मैं इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए सेम चीज यहाँ पे आ गई है, ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, है ना ये बड़ा मजेदार और आपके बहुत काम आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक बटन को हिट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। हैप्पी लर्निंग।